दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में नागरिक सम्मान पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले 3 नागरिकों को भी नागरिक सम्मान दिया जाएगा। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है, और ऐसे ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं अनूप शाह जी, जो फोटोग्राफर और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने हिमालय की कई पहलुओं से तस्वीरें खींची हैं। इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल ने उन्हें 5 बार टॉप 10 फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया के लिस्ट में शामिल किया है। 69 साल के हो चुके अनूप शाह जी को कई अवार्ड मिल चुके हैं, और इनकी 1500 से भी ज़्यादा फोटोग्राफ्स को बहुत से देसी विदेशी एग्जीबिशंस में प्रदर्शित किया जाता है। उनकी सबसे लोकप्रिय पिक्चर है ओम पर्वत की, जिसमें कुदरती रूप से बर्फ द्वारा ओम लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। उन्होंने ही 1970 में नंदा खाट चोटी पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। ये चोटी नंदा देवी सेंचुरी के बाहर है। वे साल 2003 में हुई एस्कोट अराकोट ट्रांस हिमालयन यात्रा के सदस्य भी थे। ये यात्रा हर 10 साल में एक बार होती है। यही नहीं, अनूप शाह जी 1992 में हुई ट्रेल पास एक्सपेडिशन के भी सदस्य थे, जो 53 साल के गैप के बाद पूरा हो सका था। उनके इसी योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने अनूप जी को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला किया है। प्रीतम भारतवान पहाड़ी लोक गीतों को सुनने वालों के बीच में एक जाना माना नाम है। भारतवान जी को जगर सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि जगर शैली की गायकी में वे बहुत माहिर हैं। ये गायकी की शैली पहाड़ों में गाई जाती है। रायपुर देहरादून के एक गांव में जन्मे भरतवार जी ने 6 साल की उम्र से ही जागर गायकी अपने पिताजी से सीखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर 1988 में ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया था, जब वे सिर्फ 18 साल के थे। भरतवार जी ने लोक संगीत में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, और वे कई यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट फैकल्टी भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस में भी वे पहाड़ी लोक संगीत के ऊपर गेस्ट लेक्चर देते हैं। 49 साल के हो चुके भारतवान जी ने 1000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं, और 50 से भी ज़्यादा एल्बम्स का हिस्सा रहे हैं। भारत सरकार ने उनके इसी योगदान को देखते हुए भारतवान जी को पद्मश्री से सम्मानित किया है। बचेंद्र पाल पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। उनका जन्म नाकुरी गाँव उत्तरकाशी में हुआ था। बचेंद्र पाल को 12 साल की उम्र से ही पर्वत चढ़ने का शौक चढ़ गया था। जब वे स्कूल पिकनिक के दौरान 3999 मीटर ऊंची चोटी पर अपने दोस्तों के साथ चढ़ गई, और फिर तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने कई और कीर्तिमान रचे। उन्होंने 1994 में ग्रेट इंडियन विमेन्स राफ्टिंग वॉयज में भी हिस्सा लिया, जिसमें 18 महिलाओं ने 3 राफ्ट्स में हरिद्वार से कोलकाता तक का सफर तय किया। यही नहीं, उन्होंने पहली इंडियन विमेन ट्रांस हिमालयन एक्सपेडिशन का भी नेतृत्व किया, जिसमें 8 महिलाओं ने हिमालय के पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश से पश्चिमी भाग सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रैकिंग करी। 65 वर्षीय बचेंद्री पाल को उनके इस योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटी का निशान भी दबा देना, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।